हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस 1 लेसन नंबर 11 अवर होम एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमारा घर और पर्यावरण। ट्राई दिस, देखो अभी ये आपको करके देखना है एक्टिविटी। ऑन द वे टू योर स्कूल और मार्केट और व्हेन यू ट्रैवल टू अनदर टाउन यू सी मेनी थिंग्स। देखो तुम विद्यालय, बाजार या दूसरे गांव जाते समय यात्रा में अनेक बातें देखते हो, बहुत सारी थिंग्स देखते हो आप। ऑब्जर्व केयरफुली द हाउसेज दैट यू सी, घरों का निरीक्षण करते समय ऑब्जर्व केयरफुली द हाउसेज दैट यू सी, मतलब उस समय घरों को ध्यान से देखना है आपको। नोट द कंस्ट्रक्शन शेप, बिल्डिंग्स, मटेरियल एंड अदर एक्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट हाउसेस। अभी इन घरों का निरीक्षण करते समय उनकी रचना और आकार और उपयोग में लाई गई जो निर्माण कार्य की जो भी सामग्री है, जो मटेरियल है, आदि बातों का आपको विचार करना है। डू सम ऑफ द हाउसेस रिजेंबल द स्पेसिमेंस शोन अबव, तब तुमने जितने घर देखे होंगे क्या उनमें से कुछ घर ऊपर दिए गए नमूनों से मिलते जुलते हैं क्या, वो देखना है आपको। अभी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है। सेकंड है, कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट यू सॉ एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस, मतलब तुमने जो घर देखे हैं उनमें से किन्हीं दो घरों में क्या अंतर है उसका उल्लेख करना है आपको। ओके, थर्ड है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम विच अ हाउस गिव्स अ प्रोटेक्शन, मतलब घरों के कारण किन किन बातों से हमें संरक्षण मिलता है वो बताना है। और फोर नंबर है, इन व्हाट वे आर द हाउसेस ए बी एंड सी डिफरेंट, विच ऑफ देम अपीयर्स टू बी द सेफेस्ट, मतलब ए बी और सी घरों में क्या अंतर है और कौन सा घर अधिक सुरक्षित लगता है ये आपको बताना है। अभी यहाँ पे ये एक्टिविटी है, इससे इस पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इस और आंसर देना है आपको। फाइव नंबर है, विच ऑफ द अबो हाउसेस आर मेनली सीन इन सिटीज, विच आर सीन मेनली इन रूरल एरियाज, मतलब ऊपर के घरों में कौन से घर मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिटीज़ में होते हैं कौन से घर, और कौन से घर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वो बताना है आपको। ओके, थिंक अबाउट योर ओन एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट देयर एंड चूज द मोस्ट सुटेबल हाउस फॉर योर सेल्फ बाय पुटिंग अ टिक इन द बॉक्स नियर द पिक्चर, मतलब अपने परिसर या जलवायु का विचार करते हुए उचित घर के पास की चौकट में आपको क्या करना है, टिक ऐसा चिन्ह लगाना है, टिक करना है आपको। आया समझ में? ऐसी ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन द पिक्चर्स, देखो चित्रों के माध्यम से हमने घरों के अलग अलग प्रकार देखे। देयर मेन यूजेस कैन बी लिस्ट एज फॉलो, अभी घरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न बातों के लिए होता है। देखो घरों का उपयोग किस लिए होता है, तो अ शेल्टर, मतलब
शेल्टर मतलब निवास, निवास के लिए, और रेस्टिंग प्लेस मतलब आराम करने के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन द विंड द कोल्ड एंड रेन्स मतलब ठंड गर्मी हवा या वर्षा से संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों के, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, सुरक्षा के लिए, कीपिंग अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए। ओके अभी नेक्स्ट पेज, मेक अ फ्रेंड्स विथ मैप्स मतलब हमें मैप से दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, ये एक हमें मैप दिया है, कौन सा मैप है, इंडिया मेजर रीजन्स एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब प्रमुख प्रदेश और आवासीय संरचना, टाइप्स ऑफ हाउसेस का ये मैप आपको दिया गया है। ओके, द अबोव फिगर शोज अ मैप ऑफ इंडिया एंड द टाइप ऑफ हाउसेस दैट आर कॉमन इन द रिस्पेक्टिव रीजन सिंस एंशिएंट टाइम्स मतलब ऊपर की आकृति में हमें भारत का मैप या संबंधित भागों में पहले से ही उपयोग में लाए जा रहे घरों के प्रकार दिए गए हैं। यानी पहले ये हाउसेस यूज़ किए जाते थे, ऐसे घरों की नोट हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेस चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन मतलब घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को आपको समझना है। अभी उसमें पहला है रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल अधिक वर्षा वाले प्रदेश। सेकंड है रीजन्स ऑफ मीडियम रेनफॉल मतलब मध्यम वर्षा वाले प्रदेश। थर्ड है रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल कम वर्षा वाले प्रदेश। फोर नंबर है डेजर्ट रीजन मतलब मरुस्थलीय प्रदेश और मार्शी रीजन मतलब दलदलीय प्रदेश। नेक्स्ट है माउंटेन्स रीजन्स मतलब पर्वतीय प्रदेश और नेक्स्ट है प्लेन्स मतलब मैदानी प्रदेश। आया आपको यहाँ तक समझ में? ऐसे ये मैप दिया है हमें और टाइप्स ऑफ मेजर रीजन्स एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।